राजनीति की परिभाषा बड़े बड़े फिलोसफर ने लिखी है, अरस्तु, सुकरात, प्लेट हुए, प्लेटो, सबको पढ़ता रहता हूँ। वैशाली की नगर बोध में जनतंत्र शुरू हुआ था। मेरे लिए राजनीति की परिभाषा एक है, नीतिगत राजनीति। नीतिगत रूप से जनता की समस्याओं का समाधान करो, जनता आपको राज कराती है। ये राजनीति की परिभाषा है। मगर आज की तारीख में राजनीति की परिभाषा इतनी विद्रूप, इतनी खराब कर दी। ये कहते हैं अब ये मेरे साथ राजनीति कर रहा, मतलब ये मेरे साथ धोखा कर रहा। आपके गुरुजी राजनाथ सिंह जी मेरे गुरु हैं, संजय जोशी जी मेरे गुरु हैं, शिव प्रकाश जी मेरे गुरु हैं, तीनों ने माथे फोड़ लिए। एक दिन अजय भट्ट से शिव प्रकाश जी कह रहे कार्यालय पे, अरे इसका क्या होगा, राजीव कहा करें, वो संघ में जाती नहीं, राजीव राजीव कहा करें, राजीव मुझे प्रिय है। जब मैं मरने की सोचता भी हूँ, अरे एक आदमी मुझे ये कहता है नेताजी, तो मैं नेताजी कह के खुश हो जाता हूँ, मरने का वो त्याग देता हूँ। मगर जनता नेताजी कह रही है, इससे बड़ा सुख मेरे लिए कोई नहीं है। आप जो ये कोहिनूर देख रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी का कोहिनूर है जो आज कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है, और ये वो स्तंभ है और वो नींव का पत्थर है, जिस सत्ता का महल जो आज खड़ा है इस नींव के पत्थर पर खड़ा। देखो भाजपा की डबल इंजन सरकार है, दायित्वों की कमी नहीं है, और प्रदेश में भी दे सकते हैं और आपका राष्ट्र में भी दे सकते हैं, कहीं भी दायित्व दे सकते हैं। इतने सारे लोगों को आवास आवंटन कर रखे हैं विधायकों के, जिनकी कोठियां शहर में और आसपास में हैं और फिर भी उन्होंने आवास ले रखे हैं। पूर्व विधायक भी कोठी पर कब्जा करे पड़े हैं, एक आम कार्यकर्ता के लिए क्या उस कोठी में पीछे रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, और अभी हम जो खड़े हैं पनियाला रोड पर खड़े हैं, आपको आज हम ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि किसी नाम के मतलब कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजीव त्यागी की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जब से सिपाही हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछता तक नहीं था, पूरे होशो हवास में है, मतलब सरकार उनकी पूरे देश में है। आज पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को उस हालत में छोड़ रखा है, ना उसको ध्यान दे रही है, ना उसको कोई पूछने वाला है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनकी जुबानी जानेंगे जो पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, दरी बिछाने का जिनको कहते हैं कि दरी बिछाने का जिनको काम करते हैं पार्टी में, वो ही नेता रहे हैं आज तक। हमने भी इन्हें आज तक कभी देखा है तो कभी भी इन्हें ऐसी हालत में देखा है कि बिल्कुल साधारण तरीके से किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काम करते हुए देखा है। बात करेंगे जी त्यागी जी, क्या कहना चाहेंगे दैनिक रुड़के से इस तरह की जो आपकी आज ये स्थिति है, कैसे? नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, ये मेरे कर्म फल हैं। राजीव कुमार त्यागी मेरा नाम है, कुमार लगाया करो, पूरी मात्रा हुआ है ज्योतिष में, जीवन मकर राशि है, स्वामी ग्रह शनि जी हैं। मैं जिंदा हूँ तो जनता की वजह से, बुजुर्गों के पैर छूता हूँ, और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि जितना बौद्धिक चिंतन करता हूँ उतना फील्ड वर्क करता हूँ। एक बार जो टाइम्स ऑफ इंडिया के वो पत्रकार हैं, इंग्लिश अखबार के, तपन जी ने कहा था जितना बौद्धिक चिंतन करो उतना फील्ड वर्क करो। अगर आप बौद्धिक चिंतन करते हैं, फील्ड वर्क नहीं करते, तो बौद्धिक अय्याशी, और ये ज़्यादा हो रही है सभी दलों में, हमारे यहाँ भी। अब मोदी जी के आने, कभी आपने गुहार लगाई उच्च नेताओं से किस तरीके से लगाई कभी? सब परेशान हैं, मेरे गुरुजी राजनाथ सिंह जी परेशान हैं। उन्होंने एक दिन ये कह दिया, जब उनके आदेश का भी पालन नहीं किया यहाँ मुख्यमंत्री ने, तो उन्होंने ये कह दिया, अगर भाई भाग्य की बात है, बाबा कमलनाथ जी बुजुर्ग गए, राजनाथ सिंह जी परेशान दुखी हो गए, कहने लगे भाग्य की बात है, मैंने जो चाहा उन्होंने मुझे दिया, राज्यसभा मांगा हमेशा उनसे, वो नाराज रहे, नीचे से ऊपर तक चल फिर बैठाऊंगा। आपको हम बता दें कि जो देश के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनसे भी इनके गहरे संबंध हैं और अटल बिहारी वाजपेयी तक के इनके संबंध रहे हैं, लेकिन आज इनकी स्थिति ये है इन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं है। अटल वो क्या नाम, असल जी से नहीं रहे मेरे संबंध, वो आपके गुरुजी राजनाथ सिंह जी मेरे गुरु हैं, संजय जोशी जी मेरे गुरु हैं, शिव प्रकाश जी मेरे गुरु हैं, तीनों ने माथे फोड़ लिए। एक दिन अजय भट्ट से शिव प्रकाश जी कह रहे कार्यालय पे, अरे इसका क्या होगा, राजीव कहा करें, वो संघ में जाती नहीं, राजीव राजीव कहा करें, राजीव मुझे प्रिय है। जाति में होना तो बड़ा सौभाग्य का है, ब्राह्मण जाति में हुए, गौतम ऋषि की हुए हैं, मगर मुझे जिंदा रखा है। जब मैं मरने की सोचता भी हूँ, अरे एक आदमी मुझे ये कहते हैं नेताजी, तो मैं नेताजी कह के खुश हो जाता हूँ, मरने का वो त्याग देता हूँ। मगर जनता नेताजी कह रही है, इससे बड़ा सुख मेरे लिए कोई नहीं है। बाटा के लिए धर्म की, आज आप इस स्थिति में हो तो मतलब ऐसा क्यों क्यों अपना अपना जीवन आपने ऐसा कर लिया? नहीं, असल में ऐसा है, इस देश में जीवन का उद्देश्य नहीं बनाते लोग। इंग्लैंड अमेरिका ने इसलिए तरक्की की, वहाँ उन्होंने देख लिया बच्चा अगर तैराक बनना चाहता तो उसे स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, उसकी हॉबी देखते हैं, वो तैराक बन जाता है, उसको फिर ग्रेजुएशन कराते हैं। पढ़ाई जरूरी, पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं, चाहे बर्तन मांजे। तो मैंने ही तय कर लिया था जीवन का उद्देश्य तय करना है, तो मैंने उद्देश्य
अब टीचर भी आ रहे हैं राजनीति में, मंच पे बोल जीवन मंच पे बोलते हैं, ऐसा लग रहा टीचर बोल रहा, वकील आ रहे हैं, जैसे वो है ना आपका कपिल सिब्बल जो है संसद में बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे उसमें बोल रहा हो अदालत में। अरे तेरी नेचर ही उसकी नहीं है, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है कोर्ट में जाकर बैठ जाता है, ये भी नहीं दुख में कांग्रेस का साथ दे। तो मैंने अपनी नेचर जब देखी, समाज से भी नेचर है, साहित्य की नेचर है, फिर मैंने पार्टी के लिए आपने सेवा करी, आपने पार्टी के इतने त्यागी जी, आपने पार्टी के लिए इतना काम करा, पार्टी के लिए इतनी सेवा करी, पार्टी ने आपको कुछ नहीं दिया ना आज तक, आपने पार्टी को भी मांगा, तो ऐसा क्यों हो गया? पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जीवन का उद्देश्य राजनीति है मेरे, इसी से मुक्ति पाऊंगा मैं। श्री ओम नमः शिवाय। बाबा साहब जी ने मुझे उनकी गोद में बैठाया, सब जितना शिव जी का नाम ले अब, मगर मेन चीज़ ये है इसमें किसी का दोष नहीं है, जो है वो ये कर्म फल है। हम तो भगवान शिव जी में विश्वास करते हैं, कृष्ण जी में, कर्म फल पर और भी लोग हैं जो त्यागी समाज जुड़े हुए हैं। मेरे लिए आप भी सुन लें सब, राजनीति की परिभाषा बड़े बड़े फिलोसफर ने लिखी है, अरस्तु सुकरात प्लेट हुए प्लेटो, सबको पढ़ता रहता हूँ। वैशाली की नगर बुध में जनतंत्र शुरू हुआ था, मेरे लिए राजनीति की परिभाषा एक है, नीतिगत राजनीति, नीतिगत रूप से जनता की समस्याओं का समाधान करो, जनता आपको राज कराती है, ये राजनीति की परिभाषा है। मगर आज की तारीख में राजनीति की परिभाषा इतनी विद्रूप, इतनी खराब कर दी, ये कहते हैं अब ये मेरे साथ राजनीति कर रहा, मतलब ये मेरे साथ धोखा कर रहा। तो आप लोग देख सकते हैं जो राजनीति की बात कर रहे हैं त्यागी जी, साफ तौर पर कह रहे हैं जो आज की राजनीति है वो राजनीति समाज सेवा की नहीं है, जो राजनीति है वाकई में इन जैसों की है, जो आज नेतागिरी के उसमें उद्देश्य से इन्हें राजनीति कर रहे थे, लेकिन आज इस स्थिति पहुंच गए हैं कि इनको कोई पूछने वाला तक नहीं यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जो त्यागी समाज के वरिष्ठ लोग पहुंचे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज इनकी स्थिति है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई समाज का विषय नहीं है ये जुड़ा हुआ, ये किसी समाज से भी नहीं जुड़ा हुआ। आप जो ये कोहिनूर देख रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी का कोहिनूर है जो आज कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ, और ये वो स्तंभ है और वो नींव का पत्थर है, जिस सत्ता का महल जो आज खड़ा है इस नींव के पत्थर पर खड़ा है। हमने और राजीव भाई ने, मैं बताना चाहूँगा, संदीप खटाना मेरा नाम है और जिलाध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू परिषद, और 90-89 का दौर में हमने इकट्ठा काम किया है। जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था तो राजीव जी और सहारनपुर जिला हुआ करता था तो मेन मुख्य भूमिका रहा करते थे, और अभी तक ये समझिए कि 4-5 साल से गुमनामी के दौर में आप जी रहे हैं, जब से चाटुकारिता का दौर आया। लोग कहेंगे क्या राजीव त्यागी जी के पास कुछ नहीं था? था, सब कुछ था। आपकी बात रोक के कहूंगा, आप कह रहे चाटुकारिता वाली बात, चाटुकारिता की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, क्या अब ये 4 साल से शुरू हुई है या पहले से इस तरह से, क्या वही लोग कामयाब होते हैं जो चाटुकारिता करते हैं? देखो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, वही कामयाब होते हैं। अगर नहीं कामयाब होते तो राजीव त्यागी जैसे निष्ठानवान व्यक्ति आज अच्छे उच्च पद पर होते। और राजीव जी का गांव मूलतः सहारनपुर जनपद अब वर्तमान में और उत्तर प्रदेश के जड़ोदा पांडा गांव पड़ता है, और वहां आप कहेंगे तो रियासत कहेंगे, 150 बीघे के काशकार हुआ करते थे। और अगर आज कहा जाए तो आज कहेंगे लोग बाग के राजवीर की जमीन जायदाद है वहां पर, सब कुछ समर्पित, समर्पण ये नहीं कहूंगा मिटा दिया, समर्पण कर दिया पार्टी के नाम, कोई पैसा नहीं लिया। अगर भ्रष्टाचारी होते तो वो संपत्ति जो थी ना वो दुगुनी होती, 4 गुनी होती आज। सहारनपुर के एक गांव में त्यागी जी की रियासत थी, जिन्होंने की 700 बीघा जमीन बता रहे हैं कि वहां पर थी, जिन्होंने राजनीति में समर्पण कर दी। अब उनके जो भाई लोग हैं वो भी वहां पर रहते हैं, आपके भाई लोग हैं सर, वहाँ सब IAS IPS गांव में खाली पड़ा, खेती करने वाले नहीं। तासम चाचा ने कहा यहाँ आ जा, गाड़ी ले ले। दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल राजीव त्यागी जी किस बदहाल स्थिति में यहाँ पर रह रहे हैं, जो एक दुकान, एक यहाँ के अपने व्यक्ति हैं बड़े, उन्होंने दया के रूप में इनको दी है, और हैं परशुराम जी हैं, और आपको बता दें परशुराम जी हैं जो सुभाष नगर के रहने वाले हैं, यहाँ पर ये अपने पनियाला के रहने वाले हैं, जिन्होंने ये दुकान यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर ये छोटा सा टीवी रखा है और यहाँ पर ये छोटी सी बाल्टी मग्गा है जहाँ पर ये रात को सोते हैं और यहीं पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि भाई राजीव त्यागी जी का जीवन यापन हो रहा है वो किस स्थिति में हो रहा है। ये भाई साहब अरोड़ा जी, यही तो इनका शयन कक्ष है, यही इनका शौचालय है, यही इनका स्नान घर है, और बिस्तर की स्थिति आप देख रहे हैं, भोजन भी दया के रूप में कोई दे जाता है तो ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। क्या सरकार आज सरकार दोनों मतलब केंद्र और राज्य में है, क्या इनके लिए विधायक
या कोई दायित्वधारी चार चार मकान आवंटित हैं सिंचाई विभाग के और अपने मकानों में रह रहे हैं, क्या कोई एक छोटा सा मकान इनके लिए नहीं है? क्या कोई दायित्व नहीं बचा जिनसे इस हाल में अंतिम दौर ही कहूंगा, लेकिन इनका हौसला अंतिम दौर का नहीं है, अंतिम दौर का ही कहूंगा लेकिन हौसला राजू त्यागी जी का अंतिम नहीं है। मनोज जी से बात कर लेते हैं। मनोज जी आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से समाज के वरिष्ठ भी कहेंगे और पार्टी के वरिष्ठ कहेंगे, क्या आप भी पार्टी जुड़े हुए हैं, आप भी समाज से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? भाई इस मुहिम को हमारे रवि शवाना भाई ने शुरू किया है, इनके पास संजय भाई जोशी का फोन आया था और उन्होंने कहा कि भाई जाके मदद करो इन लोगों ने, हमें भी नहीं पता था राजीव भाई साहब की क्या की मदद की जा रही है इनकी। अभी मदद यही है आपस में हम सब लोग कंट्रीब्यूट करके, और चिकित्सा तो हवाना भाई करा ही रहे हैं, अभी इन्हें रूम दिलवाने, अभी रूम देख रहे हैं कहीं पर, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ कराएंगे, एक रूम अपना जो भी, फिर इनकी जो खाने की व्यवस्था उसमें टिफ़न लगवाया जाएगा जो तीनों टाइम का। क्या मांगे रहेंगे आप लोगों? पार्टी स्तर पर यही है, देखो भाजपा की डबल इंजन सरकार है, दायित्वों की कमी नहीं है, और प्रदेश में भी दे सकते हैं और आपका राष्ट्र में भी दे सकते हैं, कहीं भी दायित्व दे सकते हैं, इतने सारे लोगों को आवास आवंटन कर रखे हैं विधायकों के, जिनकी कोठियां शहर में और आसपास में हैं और फिर भी उन्होंने आवास ले रखे हैं, पूर्व विधायक भी कोठी पर कब्जा करे पड़े हैं, एक आम कार्यकर्ता के लिए क्या उस कोठी में पीछे रखते हैं दायित्व की। आप भी आप कह रहे ना कौन कैसे जिंदा हूँ, बबलू भैया परचून वाले सामने 1600 रुपए उधार हो गए, अब भी सिगरेट झाड़ू तक। त्यागी जी नहीं मैं आपसे पूछना चाह, चलिए त्यागी जी कुछ कहने को तैयार नहीं है आपसे, आप भी दायित्व लेने की इच्छाधारी हैं? इनके भावनु दायित्व नहीं लूंगा, भगवान नहीं हूँ मैं, नेता हूँ तो दायित्व चाहता हूँ मैं मुक्ति पाने के लिए, मगर मुक्ति पाने के लिए बौद्धिक चिंतन फील्ड वर्क करने के लिए सारे सपने जनसंख्या, मैं पहले लेता कंडारी जी थे और वो दिलवा दी मैंने, अनुराग कपिल आया अपने आप नहीं ली, वो कहेंगे जब तक दायित्व ना मिले मैं कैसे ले लूं, यहाँ पे रहते हैं आपको कभी लगा नहीं, जब नहीं लगा मुझे महसूस भी हुआ, मैं जब तक दायित्व नहीं मिलने का लेने का नहीं, लूंगा दायित्व मिलने के बाद। भी मांग कर रहे हैं और बोल रहे हैं जिस तरह से सरकारी जो विभागों के कार्यालय या ऑफिस अन्य नेताओं को मिले हैं, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम करा है, सेवा करी है, तो उनकी भी ये जो मांग कर रहे हैं उनके साथ के जुड़े लोग कर रहे हैं। यहाँ पे रवि शवाना जी है, जिस तरह से आप इनका स्वास्थ्य परीक्षण जी, राजीव त्यागी जी की यह दुर्दशा देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे पास सर्वप्रथम श्री संजय विनायक जोशी जी, जो पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, उनका मेरे पास फोन आया कि राजीव त्यागी जी से आपका परिचय है। मैंने कहा हाँ भाई साहब है, कि एक बार राजीव त्यागी जी को बात करो, नंबर भेजता हूँ, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। फिर आए हम लोगों ने देखा बहुत बुरी स्थिति में थे। मैं पार्टी के भी पार्टी जुड़े हुए हैं और पार्टी से ही कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी जुड़ी रहती है, आप भी पार्टी कार्यक्रम में नजर आते रहते हैं, कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम देखते हैं भाई पार्टी अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके जो पदाधिकारी हैं उन्हें सम्मान देने की बात कहती है, उनके लिए घर योजनाएं, अन्य लोगों के लिए योजनाएं चला रही है, उस चीज़ को लेकर कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो पार्टी के लिए पूरी जिंदगी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं ने निकाल दी, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अंत्योदय जो योजना है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय लिखा था, उस अंत्योदय का एक प्रकाश थोड़ा सा अंतिम व्यक्ति तक जो पहुँचाने की बात है, वो राजीव त्यागी जी जैसे वरिष्ठ नेताओं तक भी पहुँचना चाहिए। जनता का भला तो जब होगा जब अपने कार्यकर्ताओं का भी भला होगा। बहुत पुराने बहुत सीनियर नेता हैं इनके, एक तो रहने खाने की व्यवस्था हो, और सरकार में रुड़की शहर से अगर कोई मंत्री दायित्वधारी अगर किसी को बनाना है तो सर्वप्रथम राजीव त्यागी जी को दायित्व देना चाहिए, दायित्व देना चाहिए राजीव त्यागी जी को। ऐसा कहना इनके कार्यकर्ता जो इनके साथ सहयोगी है उनका साफ तौर पर कह रहे भाई भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पुराने सिपाही हैं और ऐसे लोगों को दायित्व होना चाहिए, ऐसे लोगों को सम्मान पार्टी से मिलना चाहिए जो आज स्थिति में पहुँच चुके हैं। तो भैया है राजीव त्यागी जी कह रहे हैं बड़ा सहयोग करते हैं, किस तरह का सहयोग आप कर रहे हैं इनका? जिस तरह भी हो सकता है। 1600 रुपए उधार हो गए, टोकता नहीं, कभी 500 मांग लूं 200 दे दे मैं लौटा देता हूं, अब 1600 हो रहे मगर मन नहीं अब भी करता। विधायक जी के पास नहीं गए कभी आप? प्रदीप बत्रा जी के बस ठीक है, जो पार्टी हित में काम करे सब जाता हूँ, जहाँ जहाँ जिसे ठीक समझता हूँ वहाँ जाता हूँ। पार्टी के गौरव गोयल जी है, गौरव गोयल जी मेरा सहयोग करता है और वो सामाजिक मान्यता प्राप्त है, वो 20 साल से कह रहा था मुझे वो बनवा दो, मेयर बनवा दो, मगर मैं बिकता नहीं औरों के लिए, मगर जिस दिन जनता तुझे कहेगी मैं भी कह दूंगा। जब वो घर घर पहुंच गया मगर अब तुझे मेरी जरूरत ही नहीं। अजय भट्ट जी से कहा भी मैंने, जब प्रदेश अध्यक्ष थे, नेताओं से आपकी जान पहचान है, आपके साथ सीधे संबंध है, अभी कभी आप सहयोग कर रहे हैं? हवाना जी है, मेयर है, उच्च पार्टी की बात कर रहे हैं, उच्च पार्टी जो बड़े नेता, बस पार्टी के बड़े नेता तो ये है कि बस अभी
कौशिक जी से आपके अच्छे आए प्रदेश अध्यक्ष जी। बस मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ कहना नहीं चाहता मैं, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा मामला ये है। असल में ऐसा है, मैं आपको बताऊँ, अगर मुझे वाइट मनी मिलती है कहीं से, अच्छा संघ के आप पुराने नेता रहे, अगर कोई ब्लैक मनी दे चाहे विधायक या सांसद, तो मैं जो है बीमार पड़ जाता हूँ, मुझे रास नहीं आती है।